कौन है मित्र मो पाद तले अग्निर उष्मता कौन कारण हो पारे माँ संकट रे पड़ी ना हंती तो मते जीबा को पड़िबो मते माँ को पाखो को अविलंबे जीबा को पड़िबो परंतु किपरि जीबी माँ तो तम दुहिं को मते एक वचन दबा को हबो आमर फेरी आसीबा पर्यंत तमे एही भवनरु बाहर को जीव नाही शिवंकर ही व्याकुलता तो तांकर कौनसी प्रिय भक्त संकट रे पड़िबार संकेत वर्तमान समय रे किए पड़िथिबो संकट रे जहांक व्यथा यांको व्यथित आ व्याकुल करूची ओम नमः शिवाय। नाई मित्र काहे कि मित्र तम पाद अग्नि रे तप्त होउछि तप्त पाद को शीतल जल रे ही शीतलता मिलिब मते तुम पाद धोइबा को दियो एहा द्वारा मो मां को कष्ट आहुरी बढ़ी जीव आउ मु एहा चाहू नाही जे मो सुख मो मां को कष्ट वृद्धि रो कारण हेउ तुम पाद रो अग्नि सहित तांकर कौन संपर्क मित्र माता एवं पुत्र मध्यरे प्रति सुख दुखर संपर्क थाए मित्र प्रति क्षण परस्पर भाव परस्पर को अनुभव करी पारंती मित्र आउ एही समय रे मो मां को कष्टर कारण सेही अग्नि जहां तांको जले देउछि तेबे आमे एठे काहेकि रहिचे मित्र शीघ्र मातांक पाखो को चलो मु जाई पारी भी नहीं काहेकि मित्र काहेकि जाई परिबोनी पाद पड़ी जाइछे सेति पाई चाली भी परिबो नहीं ना मोढ़ा ताहले मते मां वचन रे बांधी दी छंती सेति पाई तेबे मु तुम मातांक सहायता पाई नंदी को पठाई दोची आवश्यक नाही मित्र तेबे कोन आम माता संकट रे हि पड़ी रही थीबे ना मुढ़ा मां को वचन रे मु बांधी ही छी किंतु मोर एही त्रिशूल नुहे त्रिशूल जाओ मो मां को ऊपर को आसी थी बा संकट को दूर कर माता त्रिशूल पछरे मु भी जाउछी मांगो संकट शीघ्र दूर हो जाओ चिंता करो नहीं मित्र संकट अवश्य दूर हो जाओ शिव एहा ही हेउछि आपनकर प्रेम आ स्नेह भाव जहा सहित मिसि जानती तांक सहित तन मन दे मिसि जानती विलयर स्वरूप ही आपनकर मूल स्वरूप शिव
କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ତୁ ଜଳିକି ଭସ୍ମ ହେଇଯିବୁ। मो भोड़ा त्रिशूल ये सब कौन है देवी आ ये तो आम बाल्य भला त्रिशूल कौन बाल्य भला आठा को नाई ऋषिवर भोला त्रिशूल पठेदे आमको रक्षा करने त्रिशूल अग्नि लिभेदेला आमको रक्षा कला आपणक पाद अग्नि जलुला आपण मत उठले भी ना आपण बहुत गभीर निद्रा रे थिले ऋषिवर आपण को एते गभीर निद्रा रे मु पूर्वरु केबे भी देखि नथिली देवी जदि कोनसी अप्रिय घटना घटी जाईथांता केमिति अप्रिय घटना घटिबो ऋषिवर आपण तो कुहंती मु सेही भोलांक माता जहां कु सारा संसार संकट हर्ता कहती धन्यवाद त्रिशूल आपण आमर आउ मोर धर्मर रक्षा कले प्रणाम ऋषिवर प्रणाम माता नंदी तमे एठी हाँ ऋषिवर प्रभु को पीड़ा को देखी मु रही पारी ना आउ वचन रे बंधा हेबा कारण प्रभु माता को रक्षा हेतु एठिके आसी पारी ना सी निजर त्रिशूल को पठेले आउ मु मध्य ता पछरे दौड़ी चली आसिली ऋषिवर कौन मो भोला को पीड़ा है छी? हाँ माता अग्नि रे जलिबार आपण को पीड़ा सेठी प्रभु को जलाउथिला किपरि सह्य करिथिबे ए ज्वलनर पीड़ा मोर बालक भोला पीड़ा लाघव हो प्रमाण दे मो माँ को पीड़ा मध्य दूर हो
मते साहाज्य करिथिबारु तुमको धन्यवाद त्रिशूल। देवी आज मोर हृदय एक कथा कहुची, आपण एही संसार रो जने महान नारी, आउ आज एही घटना माता एवं पुत्र रो अदृश्य भावनात्मक संपर्क विषय रे व्याख्या करिवो, आउ एक कथा त्रिलोक रे पुनः स्थापित हब। देवी यात्रा तो लंबा, आमे बणरे रही परिबानी, आसंतु चलंतु। आजि बंचिगल तमे दुहे, परंतु भविष्यतरे बंचि पारिबनि। तते कष्ट देले से बाल्य शिव को पीड़ा होउचि ना, एबे कष्टर लक्ष्य तते ही करिबी, आउ अंत करि देबी तुम दुहिंकु। प्रभु आपणक माताश्री आ पिताश्री सकुशल एवं सुरक्षित अछंती, आउ आग को यात्रा पई बाहरी जाइछंती। मित्रा जदि सब कुशल मंगल अछि तेबे आमको पुनः कथा प्रारंभ करबा को हबो। हाँ मित्रा कुहंतु तापरे कोन हैला सती प्रभु रामंकर किपरि परीक्षा नेले। सती श्रीरामंकर परीक्षा नेबा पई सेठा को जाइथिले, जेउठी श्रीराम निजर पत्नी सीतांक वियोगरे दुखरे बसीथिले। प्रभु श्रीरामंकर निजर पत्नी सीतांकर वियोग? हाँ, सेतेबेले श्रीराम तांक पत्नी सीता आउ निजर भ्राता लक्ष्मणंक सहित तांक पिता राजा दशरथंक वचन पूरण करिबा पई 14 वर्ष बनवास करिबाकु जाइथिले। आउ बनवासर अंतरे रावण प्रभु श्रीरामंक पत्नी सीतांकु हरण करि नैथिला, आउ तांकु लंका नै चली जाइथिला। आउ सेतेबेले श्रीराम देवी सीतांकु उद्धार करिबा पई बानर सेना प्रस्तुत करी समुद्र सेपारी लंका जाउथिले। आउ समुद्र पारी हेबा पूर्वरु श्रीराम भ्राता लक्ष्मणंक सहित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग स्थापना करिथिले, आउ तांकर आराध्य शिवंकु पूजा करुथिले। शिव मोर सर्वाधिक प्रिय, मोर आराध्य से तांको ठारु विमुख हुई तांको त्याग करी मते केही पाई परिबेनी लक्ष्मण। आपणक हस्तरे निर्मित ही शिवलिंगर संसार रे कौन महत्व रहिबो भ्राता श्री? मो हस्तरे निर्मित मो आराध्यंकर एहि शिवलिंग रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग हेब, आउ ए स्थान पावन भूमि रामेश्वरम रा नामरे विख्यात हेब। जेउ रामंकु मो शिव ध्यान करुछंती आजि सेइ महान श्रीरामंकु परीक्षा देबाकु पड़िबो। मु आपणंक पत्नी सीतांक रूप धारण करि आपणंक सम्मुखकु जीवि, आउ आपणंक प्रेम एवं परिचयर परीक्षा नेबि। एक पक्षरे सती श्रीरामंक परीक्षा नेबा पई रूप बदलैथिले, अन्य पक्षरे नंदी एवं प्रेतगण एहि सूचना देबा पई शिवंक निकटकु जाइथिले। माता बहुत बड़ भूल करिबाकु जाउछन्ति प्रभु, आपण तांको अटकै दियंतु प्रभु।
केवल आपण ही तांको अटकेइ पारिबे। सतीको एबे निजर अपूर्णतार परिणाम भोगिबाको हेबो। आपण तांको अटकेइ पारिबे प्रभु, दया करि तांको अटकेइ दियंतु। नंदी, कौनसी भी प्रक्रिया रे आरंभर नियति अंत होइथाय। सती जो प्रक्रिया आरंभ करिछंति तार अंत भी तांको देखिबाको पड़िबो। माता सीता, आपण एठारे एकाके प्रभु महादेव क्योंठि अछन्ते? केते सौभाग्यर कथा जेहु आदिशक्तिंकर बिना शिवंकु पूजा करि हुए ना। सही शिवंकर पूजा को सफल करिबा निमन्ते माता आदिशक्ति स्वयं आसी। आपणकर सीतांक सहित मिलन हो जाओ। क्षमा चाहूँगी। माता आदिशक्ति को क्षमा मागिबार आवश्यकता नहीं। क्षमा मो मनरे उपजिथिबा संदेह कारणरु जेऊं कारणरु मु आपणक परीक्षा नेली जे आदिशक्तिंकर माया को भेद करि पारे से निश्चित ही परम ब्रह्म हेथिबे। शिवंकर आराध्य श्रीरामंकु मोर प्रणाम। मंगल भवन मंगल हार। आउ शिव मोर आराध्य माता, मु सर्वदा तांको नाम जपुथाए। एहा हित हरि आउ हरंकर संपर्क, पालन कर्ता आउ संहार कर्तांक संतुलन जहाँ द्वारा समग्र संसार संचालित होता है। आज मुठार एक दिव्य ज्ञान नहीं जाऊँगी। आज्ञा दियंतु। बुझे पारिली पड़ोसिनी मित्र, शिवंकर आराध्य विष्णु, विष्णुंकर आराध्य शिव, अर्थात दुहे परस्परंकर भगवान आ भक्त मध्यम। संपूर्ण ठीक। परंतु मु गोटे कथा बुझि पारलिनी जे एहार कारण कण? कारण भक्त नहेले भगवान हेई पारिबो नाही। तेणु दुहे भक्त एवं भगवान मध्यम। तेणु महादेव एवं विष्णु दुई नुहंती एक अटंती।
परंतु दुहे एक केमिति हेइ पारिबे मित्र माता तो कहिथिले जे विष्णुंकर कार्य संचालन आ पालन करिबा तथा शिवंकर कार्य संहार मूढ़ संहार ही तो सृजनर बीज संहार हेब नाही तेबे सृजन हेइ पारिब नाही नवजीवनर गति अटकी जीव संहार परे ही तो संसारर नूतन उद्भव ही थाए कौन मित्र सत्य कहुछी ना संपूर्ण सत्य एबे आगो को कोंत पड़ोचिनी मित्र एहा उपरांते सती कौन कले सती निजर भूल अनुभव करी पारी थिले आउ से कैलाश को फेरी जाई थिले आउ कैलाश रे शिव क्रोधित थिले एवं प्रतीक्षारत मध्य